लाई मलाई खा गया। छह महीने बाद वो आप ग्यारह में क्या चला रहे हो? ये सुबह लेकर आ गए लालू गोरी, चलो बाहर चलो चलो। वो तीसरा कुत्ता भी आ गया, वीआईपी कुत्ता हो रहा है ये। रोटी के ऊपर की मलाई मलाई खा गया, रोटी छोड़ दी। लालू रोटी का लालू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 11:50, मतलब 12 बजने वाले हैं। और हमारे घर के आगे की जो रोड है वो अब बनने लग गई है फाइनली। 6 महीने बाद उसका काम शुरू हो गया। देखो कब तक बनती है, अभी तो चल ही रहा है, स्टार्ट ही हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है वहाँ का काम। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फाइनली ये रोड बनने लग गई है। अब 6 महीने बाद वो भी चल रहा है काम अभी रोड बनने का। और अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इधर को आएगी, अभी उधर से बनती हुई आ रही है नीचे की तरफ से। वो आप लोगों ने देखा है जैसे कि बन रही है रोड। अभी अभी तो बहुत टाइम लगेगा हमारे घर के आगे तक आते आते, पर हो चुका है काम शुरू। तो देखो कब तक बनती है। ये तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उस रोड पर जाने में, मतलब स्कूटी बाइक या किसी चीज़ से भी जाओ तो डर लगता था गिरने का भी। और देखते हैं कब तक चलता है उसका काम। 2 दिन बाद घर का पानी भी आया है, नहीं तो पानी नहीं आया था कल भी और परसों भी, तो आज आया है पानी। तो आज मैंने सारी टंकियाँ भर दी, ऊपर की दोनों, ऊपर की तीनों टंकियाँ, और जो अंडरग्राउंड टंकी है बाहर वो भी भर दी, सब भर दिया मैंने। अब क्या पता पानी फिर ना आए, क्योंकि मैंने भी फिर मोटर चलाई तो पानी नहीं आ रहा था, पानी चला गया है। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता, क्योंकि बीच में भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब 2 दिन पानी नहीं आता, 1 दिन आया था, फिर 2 दिन पानी नहीं आया, फिर आज आया है। तो जाके और पानी आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब कभी भी आ जाता, कभी जैसे सुबह है, कभी दिन में, कभी शाम को। उन्होंने कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा कि हाँ इतने बजे पानी आएगा, आप इतने बजे भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इधर। और मेरी मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे मायके में, पर टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे आता है घर की पानी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी भी आ जाता है। तो मैंने भर दिए जैसे कि मैंने आपको बताया सारी टंकियाँ, और अंडरग्राउंड टंकी मेन थी वो भरने, क्योंकि खेतों में डालना था पानी। मम्मी ने इधर प्याज और लहसुन और ये आलू आलू बो रखे हैं मम्मी ने, तो उसमें पानी डालना है क्योंकि वो सूख गए हैं, उसमें पानी नहीं डाला है। पर जिस दिन मम्मी गई थी उस दिन मैंने पानी डाला था, तो आप कल शायद फिर डालूंगी मैं पानी, क्योंकि फिर धूप पड़ रही है, अब तो पानी सारा सूख जा रहा है खेतों का। तो अभी फिर डालूंगी मैं आपको, और अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको खेत कि मम्मी ने क्या क्या बोया है। कुछ कुछ ही दिखाऊंगी, कुछ कुछ मैं आपको जब पानी डालूंगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उस साइड जाना पड़ेगा घर के, तो अभी मेरा उस साइड जाने का मन नहीं है, तो आपको फिलहाल इधर इधर के दिखाऊंगी सामने के। चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो रख दिया है मैंने दाल चावल, तो अभी बनने में टाइम है। मैंने रख दिया दाल चावल, अभी बनेगा, और मेरा भी टाइम है बनने में। तो कल मैं आता हूँ, क्योंकि पापा दिन में रोटी खाते हैं, क्योंकि पापा का शुगर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने उनको मीठा और चावल ये सब खाने में मना किया है। तो रोटी खाते हैं, तो अभी मैं मिलती हूँ आटा, फिर बनाती हूँ रोटी, और ये मम्मी ने बोया है, आप देख सकते हैं। ये इधर ये लहसुन है, उधर भी लहसुन है, उस साइड थोड़ा प्याज डाल रखा है मम्मी ने, और उधर मतलब पालक वालक भुज्जी उज्जी है उधर सबसे कोने में, और बीच में थोड़ा धनिया है, और एक केले का पेड़ है, और ये अमरूद का पेड़ है, और इसी में छीमी जो होती है फलियाँ बोलते हैं जिनको, वो भी है इसी में लगा हुआ, मतलब उधर पेड़ है उसका, पर इसी पर जा रखा है उसकी टहनी वहनी जो भी होता है। और बाकी वो नींबू का पेड़ है उधर, बाकी अभी इधर है ये, अभी इसमें डालेंगे हम कल पानी, क्योंकि सूख चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सूखा सूखा थोड़ा थोड़ा गीला है, पर कुछ जगह जहाँ पे धूप पड़ रही है वहाँ पे सूख चुका है ये, तो डालेंगे कल पानी हम। यहाँ घर के आगे के खेत दिखाती हूँ थोड़ा, जो मतलब घर के आगे किया मम्मी ने थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये लीची का पेड़ है, और ये पपीते का पेड़, और ये मिर्च के पेड़ लगा रखे हैं मम्मी ने थोड़ा, और ये गुलाब का पेड़ है, और इसमें आ रहा है गुलाब, और दो आए थे वो सूख गए हैं, अभी वो आ रखा है, और अभी एक और आएगा ये है। अब तो इधर गया है मम्मी ने धनिया और मटर, देख सकते हैं आने लग गई है, मतलब हो चुकी है मटर उनमें, और एक गुलाब का पेड़, इसमें भी गुलाब खिल रहा है। और इधर गया है मम्मी ने प्याज, वो जहाँ पे तक दिख रहा है आपको हरे हरे पेड़ के सामने तक, वहाँ पे तक मम्मी ने बोया है प्याज, घर के आगे भी बोया, वहाँ पे थोड़ा प्याज है, और थोड़ा चना बोया है, थोड़े मटर हैं उधर सामने। तो मैंने आपको दिखाया मम्मी ने क्या क्या बोया है, अभी इधर भी बोया मम्मी ने दूसरी साइड, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी जब मैं पानी डालूंगी। और मैं अब आ गई हूँ अंदर, और थोड़ी मिर्च तोड़ के भी लाई हूँ पापा के लिए, क्योंकि पापा दिन में और रात को खाने के साथ मिर्च खाते हैं इसलिए। और ममता कर रही है पढ़ाई। आज खाने में बनाई है मैंने लौकी की दाल और चावल, और थोड़ा सैलेड है, और थोड़ा दही है, तो खाते हैं।
अभी आई हूँ मैं छत पे, शाम हो गई है और ट्रेन जा रही है सामने से उधर, मतलब रेलवे स्टेशन के उधर, यहाँ पे से दिख रही है थोड़ी थोड़ी जाती हुई। और अभी छत पे हूँ, थोड़ी देर घूमूंगी, फिर उसके बाद एक कपड़े घुमाए हैं जो, मतलब कपड़े सुखाए हैं जो सुबह धुले थे वो लेके जाऊंगी, क्योंकि अब शाम हो गई है तो कपड़े भी सूख चुके हैं, तो अब जाऊंगी नीचे लेके। और कुछ है नहीं खास करने को, तो थोड़ी देर टहलती हूँ छत में, फिर उसके बाद जाऊंगी नीचे की ममता की भी क्लास चल रही है तो पढ़ाई कर रही है, और पापा भी अपने रूम में है। हो ही रहा है काम अभी रोड का इधर, और देखते हैं कब तक बनता है। बाकी बच्चे खेल रहे हैं बाहर इधर रेत पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरे बच्चे वो बच्चे खेल रहे हैं और बस रोड का काम चल ही रहा है, कर ही रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है फूल देखिए, ये विक्की की पसंद का है, विक्की ने लिया ये। और एक और वो है ये येलो कलर, ये भी काफ़ी अच्छा है। नए आ रहे हैं तो पुराने मुरझा जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तक क्या जला रही है, क्या जला रहे हो आप, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, क्या डिटेल बताइए डिटेल में। तो ममता जला रही है कूड़ा, कूड़े की आड़ में क्या जला रहे हो आप। आ चुकी हूँ रूम में अब सोने के लिए, और अभी थोड़ी देर में ममता भी आ जाएगी सोने के लिए, अभी वो पढ़ाई कर रही है क्योंकि, और पापा भी सो गए हैं। और मम्मी का कॉल आया था कि वो मम्मी भी 2-3 दिन में आ जाएगी, और आज कुछ था नहीं खास करने के लिए, बस ऐसे ही था दिन बोरिंग सा। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और तक ले बाय, गुड नाइट गाइस।